जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि रिक्शा सवार युवकों ने स्कूटी सवार युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में स्कूटी सवार एक युवक की हालत बिगड़ी और उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। इसी बीच हवामहल से विधायक बालमुकुंद अचौरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता की सरकार है। विकास के साथ सबके प्रयास से विकास की ओर आगे बढ़ना है, तो सभी घटनाओं में अलग अलग बातें हैं, फिर भी आज जो जयपुर में घटना घटी है कल रात्रि को, उसकी जांच हो रही है। जांच की हम पूर्णता उसके परिवार के साथ हैं, पूरी सरकार उनके साथ है और उनकी जो भी मदद होगी पूर्णता करेंगे। अपराधी बचेंगे नहीं, एक अपराधी पकड़ा गया है, दूसरे के लिए टीम पूर्णता जा चुकी है और परिवार भी पूर्णता अभी पुलिस के उसमें है, जिससे कि कहीं कोई गतिविधि हो तो पता चले और अपराधी को तो पकड़ा ही जाएगा, सजा भी होगी। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार है, पूरी संवेदनाएं हैं और हम सारे प्रतिनिधि साथ हैं और जो भी उनकी मदद होगी पूर्णतः सरकार भी कर रही है, करेगी और हम लोग भी सब अपने स्तर पर पूरा सहयोग करेंगे। मैंने अपनी ओर से, स्वयं की ओर से 1,00,000 रुपए उसकी विकलांग पत्नी की बच्चों की पढ़ाई हेतु सेवा के लिए निवेदन किया है, मैं उसको पूर्णतः दूंगा और आगे भी बच्चे बच्चियों की सेवा में कहीं भी आवश्यकता होगी, उसके परिवार में कोई भी आवश्यकता होगी, हम सब उसके साथ हैं, सरकार पूरी उसके साथ है और जो मदद होगी उसकी पूर्णतः मदद हम करेंगे। बिल्कुल, उनकी डिमांड है और हमने सरकार को निवेदन कर दिया है, जो वाजिब होना चाहिए वो होगा, उनके साथ न्याय होगा, अन्याय होने नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहें। सरकार उनकी स्वयं की है और यहाँ पर आम जनता की सरकार है, जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक विशेषता है कि यहाँ दुभात और तुष्टिकरण नहीं होता, यहाँ बराबर रूप से, समान रूप से सबके अधिकार की बात की जाती है। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाएंगे और आर्थिक मोर्चा भी सहयोग करेंगे। हालांकि जो दिनेश के परिवार पर दुखों का पार टूटा है उसका दर्द कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अपराधियों को भी चैन से नहीं जीने देंगे।